हाँ जी, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि पाकिस्तान जाने से पहले पहले मैं आप सबको दिखा दूंगी कि मैंने पाकिस्तान जाने के लिए क्या क्या शॉपिंग की है, किस किस के लिए, और फिर जब वहाँ पर जाके जब किसी को दूंगी तो तब भी आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी कि दिखाएं जी आपके लिए मैं क्या गिफ्ट लेके आई हूँ। तो चलें जी शुरू करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको शॉपिंग दिखाने लगी हूँ जो हम लोगों ने प्री मार्क से की थी। इसी बहन ने मुझे कहा था प्री मार्क में जाइएगा, तो तब मैं जाकर यहाँ से शॉपिंग करके लाई हूँ। पहले मैंने कभी भी यहाँ से शॉपिंग नहीं की, हमेशा पीसी के इर्द गिर्द ही घूमती रही थी। तो सबसे पहले ये हस्बैंड ने ली है अपनी पैंट, एक अदद ठीक है, और कुछ इस तरह से है। और फिर साथ साथ ये सारी शॉपिंग जो है ना, हस्बैंड ने अपने घर वालों के लिए की है, पाकिस्तान में जो उनके भाई हैं ठीक है, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं ठीक है। तो ये सबसे पहले एक कोट हो गया, ये तकरीबन इन्होंने हस्बैंड ने ना, हस्बैंड के तीन भाई हैं, चार उनमें से एक सऊदीया होता है, बाकी तीन जो है ना वो पाकिस्तान में है। ये उन्होंने लिया एक भाई के लिए, ये मीडियम साइज है, सब के ना हस्बैंड के जितने ही साइज हैं, इसलिए हस्बैंड पहन पहन के चेक कर रहे थे। और उन्होंने ना, हस्बैंड ने लिया कि अब मुझे पूरे हैं तो समझे मेरे भाइयों को भी पूरे हैं। तो पहले नंबर पे ये दो तीन कोट हो गए, ये तीसरे नंबर वाला कोट, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये जो कोट है ना, ये उन्होंने लिया है एक्सरसाइज का, ये अपने बहनोई के लिए लिया है ठीक है, बहनोई के लिए ये कोट लिया है, और एक ये और ये कोट, एक ये है ठीक है। हस्बैंड को मैंने बोला लेने सबके लिए एक जैसे ही लो, ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे वो पसंद है, मुझे वो पसंद है। वैसे तो हम लोगों ने जो जिसे के घर में जाना है उसको ये चीज़ें देनी है ना, तो उनको क्या पता लगेगा कि हमारे लिए क्या आया क्या नहीं, जो आया उसको बिस्मिल्लाह करना पड़ेगा। तो एक ये हो गया, और ये देखें ये हस्बैंड ने ये लिया, एक ये लिया देने के लिए ठीक है। जिसको ये पसंद है वो ये ले ले, जिसको वो पसंद है वो ले ले। ये ज़्यादा ज़्यादा सर्दी में काम आएंगे, और ये नॉर्मल सर्दी में काम आएंगे ठीक है। वहाँ पर ठंड भी पड़ती है तो शदीद पड़ती है, और गर्मी भी पड़ती है ना तो शदीद ही पड़ती है। ये देखिए, ये हस्बैंड ने इनमें से ना जो चार कोट है ना, वो उन हस्बैंड ने देने हैं अपने तीन भाइयों को देने हैं, एक अपने बहनोई को देना है। और ये देखें साथ में, ये जो है ना, ये जो कोट है ना, इसमें से एक बार हस्बैंड का है, और एक जो है ना इधर से हस्बैंड का है, एक इनमें से हस्बैंड का और एक इनमें से हस्बैंड का ठीक है। और बाकी आगे जी मेरी शॉपिंग जो मेरे अपने बच्चों के लिए की है, और इनमें से इतनी खास चीज़ें नहीं है। ये देखें, वहाँ से मैंने शॉपिंग के लिए जराबे लिए हैं, और ये कोट लिया था, ये भी किसी को देना है, मतलब एज आ मतलब समझ लें आप, गिफ्ट के तौर पे किसी को देना है, और ये भी गिफ्ट के तौर पे किसी को देना है ठीक है। और ईसा का भी मैंने सेम टू सेम इस तरह का लिया है, और ये मैं सारी चीज़ें पैकिंग करने लगी हूँ बैग्स में, इसलिए मैंने आप सबको दिखाया। मैंने कहा एक दफ़ा दिखा देती हूँ, फिर बाद में पैकिंग जो है इनकी कर लूँगी। पिज़्ज़ा के लिए मैंने एक अदर ये लिया था, टाइट्स लिया था ठीक है, ये जो थोड़ा सा मतलब शाइन वाला होता है ठीक है। और उसके अलावा जी पिज़्ज़ा के, और ये छोटे छोटे जो है ना पजामे लिए थे मैंने, मैंने कहा सर्दियों में पहनने के काम आएंगे। ये फजर की एक अदर शर्ट ली है, और इसके अलावा फजर का ये जो है ना, ये सूट लिया था नाइट टाइम पहनने के लिए, ये वाला शूज सूट लिया है। काम कर रही हूँ आपने मुझे तंग नहीं करना। इस ममदरी के लिए ये शर्ट ली है ठीक है, और फिदा के लिए एक और ये वाला पजामा लिया है, और फजर के लिए ये कैप है, इसके पीछे ही पड़ी हुई थी, कह रही थी मैंने लेनी ही लेनी है, तो मैंने कहा चले ले लेती हूँ। और फिर ये 3 यूरो की आई थी, इतनी महंगी नहीं थी। और फजर के लिए फिर ये वाले जो है ना, ये वाले फजर के लिए शूज लिए हैं, उधर से ही लिए हैं प्री मार्क से ठीक है, ये मुझे बड़े पसंद आए फजर के लिए ठीक है। और फजर के लिए एक और ये वाली शर्ट ली थी, ये उन्होंने हैंगर के समेत ही भेज दी है, ये उन्होंने मतलब उतारी नहीं है, चलें कोई बात नहीं। ये देखें फजर के लिए एक ये शर्ट ली थी मैंने, और ये मैंने एक अदद पजामा लिया था, ये एक और पजामा लिया था। बस उधर से मुझे ना कुछ इस तरह की ही चीज़ें पसंद आई थी अपने लिए ठीक है, बाकी मैंने जो लेना था वो ले लिया। और ये फिर मैंने फिजा के लिए लिया है, और एक इन्होंने ना फजर ने और फिजा, फजर ऐसा क्या कर रहे हो बेटे चुप करो, और ये जो है ना एक बैग लिया फिजा ने अपने लिए ना, ये तकरीबन आया था 8 यूरो का, ये उसको पसंद आया था बैग जी मैडम को। ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने प्री मार्क से की है, गिफ्ट के तौर पे हम लोगों ने जो देनी है ठीक है, और थोड़े से बीच में हमारे कपड़े हैं। ये सारी शॉपिंग हो गई मुकम्मल, अब इन सारे चीज़ों को ना मैं डाल दूंगी बैग्स के अंदर, शॉपिंग बैग जो है ना, सॉरी जो ट्रेवल्स बैग हैं वो नीचे कैलर में पड़े हुए हैं, हस्बैंड उठते हैं तो फिर वो लेके आती हैं नीचे से, और फिर मैं इनको सबको पैक कर दूंगी ताकि तसल्ली हो, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी एक साइड पे ठीक है, ताकि पता चले हमारे पास कितनी स्पेस है।
क्यों ना बना, क्यों बेटे वीडियो क्यों ना बनाऊ, ले लूंगा मैं। नहीं नहीं चलो सही, सॉरी दे दो मामा को। क्यों रो, क्यों रहे हो रो, क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो? मामा कहती है कोई और, कोई और, कोई और। आपकी मामा है हाँ। कोई और आपकी मामा है। अच्छा छोड़ दो मामा जरूरी। ओ कौन है फिर आपकी मामा? आपकी हो सच बताओ। आप जो हर बार क्या हो गया, मेरी बात सुनो, मैं आप सबसे झूठ तो नहीं ना बोल सकती। आपकी मामा आपको मुझे दे गई थी कि ये बच्चे तुम पाल लो किरण, उसने मुझे बोला था, सच कह रही हूँ क्या? ये झूठ नहीं है। आप मुझे इतना तंग करते हो, सगी मामा को थोड़ी कोई तंग करता है। जब भी मैं नमाज पढ़ने लगती हूँ बच्चों को छेड़ने लग पड़ते हो। फिजा जोन सी अब रिमोट पकड़ लेती है बच्चों से पकड़ के, तो मामा बच्चा मत बता। तो और क्या करूं, अब तो मैंने सच्ची बात, आज मैंने आप सब के साथ आज मैंने सच बता दिया, मैंने बता दिया कि तुम लोग जिसके बच्चे थे ना तुम लोग मेरे पास छोड़ के चली गई है। मामा आप चुप पे कर जाओ। क्या हो गया? अच्छा चलो सही, वीडियो नहीं बनाती, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं वीडियो बनाती। मामा और कौन आपकी मामा हो सकती है, इतने सोने बच्चों की तो यही मामा होती है ना फिर। प्यारी मामा सही है और प्यारे बच्चे। अब नहीं रोना, अच्छा नहीं लगता आपको ये सुन के? कैसा लगता है जब मैं कहती हूँ कि आप मेरे बुरा बुरा लगता है? अगर आपकी मामा को कुछ कहे कहे तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे पता है। हाँ जी मुझे भी बहुत बुरा लगेगा जब मेरी मामा बोलेगी तुम मेरी बेटी नहीं हो किरण। ऐसे आपको भी बुरा लग रहा था? अब पता चल गया ना मैं ही आपकी मामा हूँ, अब खुश हो? तो रो क्यों रहे थे? 8 साल के होने वाले तो रोने लग पड़ते हैं बच्चा है, रोने क्यों लग पड़े थे हैं? अपनी मामा से प्यार करते हैं इसलिए? हूँ क्या हूँ मैं मामा पाल करता। अच्छा अहमद अली मामा से प्यार ना करो ना फजर आप। अम्मा अहमद